हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, राजमा की रेसिपी। हम ग्रेवी वाला राजमा बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग इसको कहेंगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुँच सके। देखिए, मैंने राजमा ले लिया है, आधे किलो राजमा है मेरा, मैंने इसे उबाल लिया है। आपको अच्छे से उबाल लेना है इसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कुछ मसाले चाहिए। देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, छह हरी मिर्ची ली है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 से 5 लौंग ली है और 10 से 11 मैंने काली मिर्ची ली है, साबुत वाली। उसके बाद मैंने इसमें लिया है लहसुन की कलियाँ 20 से 25, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा। इन सबको हम मिक्सी में डाल के, सबको एक साथ मिक्सी में डालना है और सबको पीस लेना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। देखिए, मैंने सबको एक जार में सिफ्ट कर लिया है। देखिए, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको पीसेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है 2 बड़े चम्मच। इसे गर्म होने देंगे, मीडियम आंच पर रखेंगे, इसे गर्म होने देंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जीरा 1/2 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच हींग। अब हमने जो मसाला पीसा था वो मसाले को ऐड करेंगे, इसमें सारा मसाला डालेंगे हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिएगा, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें देखिए, मैंने डाली 1/2 छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, मेरे राजमा में नमक है और इसलिए मैंने कम नमक डाला है। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे अमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 चम्मच डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी राजमा बनेंगे आपके। और इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी किचन किंग मसाला, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, आप देख सकते हो। आँच को मीडियम आँच भी रखनी है, गैस की आँच। उसके बाद मैं देखिए इसमें डालूंगी कसूरी मेथी 1 चम्मच, क्रश करके हाथ से मल के डाल दिए मैंने, ठीक है। इसे अच्छे से चलाएंगे। देखिएगा, मेरे पास से हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लगा है मसाले में, तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे राजमा जो हमने उबाले थे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें रंचे दो हाथ से अच्छे से दबा लेना है 2-3 बार। इसको हमें ऐसे रंचे से 2-3 बार मिक्स कर लेना है और फिर इसको इसमें हम पानी डालेंगे। जो हमारा राजमा का पानी बचा है वो हम इसमें डालेंगे, मेरा 1 गिलास के आसपास बचा है। मैं इसमें सारा का सारा ऐड कर दूँगी। आपके पास नहीं बचा राजमा का पानी तो आप 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी। और जो राजमा का बचा है वो भी इसमें डाल दें आप, ठीक है। अब इस राजमा को हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे हम मीडियम आंच पे। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, ये देख सकते हो आप, खोल चुका है हमारा राजमा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती, हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और इसे हम चलाएंगे अच्छे से। ये देखिएगा,
राजमे में उबाल आ चुका था, ये राजमे बन के तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए देंगे, थोड़ा सा फिर इसे सर्व करेंगे। देखिए मेरा राजमा थोड़ा ठंडा हो चुका है, मैंने इसे सर्व कर लिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह आप बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका राजमा ग्रेवी वाला, और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही गाढ़ी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से बना के देखिएगा। और इसको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ, देखिए कितनी गाढ़ी बनी है इसकी ग्रेवी, ये देख सकते हो। इस तरह से आपको इसकी ग्रेवी बना लेनी है। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, खाली हमने राजमा से इसकी ग्रेवी इतनी गाढ़ी बनाई है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये देखिएगा, मैंने चावल भी बना के रख लिए थे, उसमें मैंने राजमा डाल दिया है, देख सकते हो आप। और थोड़ी सी हरी चटनी और कुछ अनियन, आप देख सकते हो। ये प्लेट तैयार है राजमा चावल की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। आप एक बार से ज़रूर बना के देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो देखेंगे, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।